नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हमने जो पिछला वीडियो देखा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि खेल से संबंधित जो पुरस्कार दिए गए थे, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में। 2019 में अलग अलग फील्ड में जो पुरस्कार लोगों को दिए गए हैं, जो सम्मान लोगों को दिए गए हैं, जो परीक्षा के लिहाज से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उन पुरस्कारों और उन सम्मानों के बारे में हम जिक्र करेंगे कि किसको मिला है, किस फील्ड में मिला है और किस लिए मिला है। तो इसी कड़ी में आज जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ इस बार किसको मिला है? तो ये मिला है एना बर्न्स को। याद रखिएगा, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ इस बार मिला है एना बर्न्स को। दूसरी बात करते हैं ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड। ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड मिला है दिव्या कर्नाड को। दिव्या कर्नाड को मिला है ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड। आगे बढ़ते हैं, एक अगला पुरस्कार जो हमारा है वो है एबल पुरस्कार। एबल प्राइज़ जो होता है उसको हम बोलते हैं नोबेल प्राइज़ के रिस्पेक्ट में। मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज़ चूँकि नहीं दी जाती है तो एबल पुरस्कार जो है इसको हम गणित का नोबेल बोलते हैं। एबल प्राइज़ जो है वो गणित का, मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज़ है और ये इस बार मिला है करेन उहलेन बेक को। करेन उहलेन बेक को इस बार एबल प्राइज़ मिला है और याद करने वाली चीज़ ये है कि ये पहली महिला हैं जिनको एबल प्राइज़ मिला है। एबल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली महिला हैं वो है करेन उहलेन बेक और 2019 में इनको मिला है एबल प्राइज़। आगे बढ़ते हैं वीर चक्र। 15 अगस्त 2019 को हर साल वीर चक्र दिया जाता है, तो 15 अगस्त यानी कि आज़ादी जिस दिन मिली थी हमें, 15 अगस्त 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र दिया गया था। विंग कमांडर अभिनंदन चर्चा में रहे थे पाकिस्तान में, जब उन्होंने पाकिस्तान ने उनको पकड़ा था और उसके बाद से फिर वो इंडिया में आए थे। तो ये विंग कमांडर अभिनंदन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल फिलहाल की घटना है और नेशनल इंपॉर्टेंस की घटना है। आगे बढ़ते हैं ऑस्कर अवार्ड के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2019 मिला है, कई सारी कैटेगरीज होती हैं ऑस्कर अवार्ड में, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्शन, बेस्ट एक्टिंग, ये सारी कई कैटेगरीज होती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा किया है। 2018 में द शेप ऑफ वाटर को मिला था बेस्ट फिल्म का अवार्ड और 2019 में जो मिला है वो ग्रीन बुक को मिला है। 2019 की अगर हम बात करें तो ऑस्कर अवार्ड जो मिला है वो ग्रीन बुक जो मूवी है उसको मिला है और 2018 में ये द शेप ऑफ वाटर को मिला था। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो पीरियड एंड ऑफ द सेंटेंस, ये इंडियन मूवी थी, इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी पीरियड एंड ऑफ द सेंटेंस, इसको मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड। बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो रामी मलिक को मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रामी मलिक को और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है ओलिविया कोलमैन को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड अल्फांसो क्वारोन को मिला है। तो ये याद कर दीजिएगा, ऑस्कर अवार्ड में इतने तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऑस्कर अवार्ड में, वो एक बार आप देख लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं 66th नेशनल फिल्म अवार्ड की। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो मिला था ये 66वां था 2019 में जो मिला, इसमें सबसे जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वो अंधाधुन को मिला है, आयुष्मान खुराना की फिल्म है अंधाधुन, उसको मिला है बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड और बेस्ट एंटरटेनमेंट फिल्म का अवार्ड मिला है बधाई हो को। बधाई हो के जो हीरो हैं वो भी आयुष्मान खुराना है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दो लोगों को मिला है, विक्की कौशल को और आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल दोनों लोगों को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है वो मिला है कीर्ति सुरेश को। कीर्ति सुरेश को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड और याद रखिएगा बेस्ट एक्टर में दो लोग हैं, एक हैं विक्की कौशल उड़ी फिल्म जो थी उसके लिए और दूसरे हैं आयुष्मान खुराना। अब बात करते हैं 64th फिल्म फेयर अवार्ड की। तो 2019 में जो 64th फिल्म फेयर अवार्ड मिला है उसमें बेस्ट फिल्म जो है वो राजी को सिलेक्ट किया गया है, राजी फिल्म जो है वो बेस्ट फिल्म है और गांधी शांति पुरस्कार 2018, देखिए गांधी शांति पुरस्कार पिछले कई सालों से नहीं दिया जा रहा था, 2015 से नहीं दिया जा रहा था, तो 2015, 16, 17 और 18 चारों वर्षों के गांधी शांति पुरस्कार एक ही साथ 2019 में दिए गए हैं। तो आइए बात करते हैं कि ये चारों पुरस्कार किसको किसको मिले हैं। पहले याद रखिए गांधी शांति पुरस्कार ये 2018 है। देखिए इसमें हम बात करते हैं चार लोगों को मिला है, चार वर्षों से चूंकि पेंडिंग था, 2015 से कभी भी नहीं मिला था ये, तो चारों पेंडिंग को एक साथ क्लियर किया गया है। 2015 के लिए ये दिया गया है कन्याकुमारी विवेकानंद केंद्र को, 2015 के लिए इसको दिया गया है कन्याकुमारी विवेकानंद केंद्र को। फिर हम बात करें 2016 के लिए तो अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को गांधी शांति पुरस्कार मिला है। गांधी शांति पुरस्कार 2016 मिला है अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल। 2017 का जो मिला है वो किसको मिला है?
एकई अभियान ट्रस्ट को मिला है, ठीक है। एकई अभियान ट्रस्ट को 2017 के लिए और 2018 के लिए योहेई सासाकावा, योहेई सासाकावा को 2018 के लिए मिला है गांधी शांति पुरस्कार। याद रखिएगा, गांधी शांति पुरस्कार 2015 से ही नहीं दिया जा रहा था, चारों के चारों पुरस्कार इसी साल 2019 में दिए गए हैं, 2015, 2016, 2017 और 2018 के लिए, और चारों किसको किसको दिए गए हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं 54th ज्ञानपीठ पुरस्कार की। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया है, और इससे रिलेटेड एक और प्रश्न बन सकता है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था, ठीक है। इस साल 2018 के लिए जो मिला है वो अमिताभ घोष को मिला है। सरस्वती सम्मान 2019 में दिया गया है, सरस्वती सम्मान 2018 ये दिया गया है डॉक्टर के शिवा रेड्डी को, डॉक्टर के शिवा रेड्डी। फिर बात करें क्लीनेस्ट सिटी, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 में स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ कि कौन सा सिटी जो है वो सबसे क्लीनेस्ट है, तो इसमें आंसर है आपका इंदौर। इंदौर इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, और अगर पूछे कि इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी कौन सा है तो आंसर होगा भोपाल, यानी कि दोनों का दोनों पुरस्कार मध्य प्रदेश को जाता है। अब हम बात करें रेमोन मैग्सेसे अवार्ड की, तो रेमोन मैग्सेसे अवार्ड 2019 भारत के रविश कुमार को मिला है पत्रकारिता के लिए, और रेमोन मैग्सेसे अवार्ड जो है इससे पहले भी भारत में कई लोगों को मिल चुका है, आरटीआई के लिए अरविंद केजरीवाल को भी मिल चुका है। तो रेमोन मैग्सेसे 2019 ये मिला है भारत के रविश कुमार को, कुल मिला के 5 लोगों को मिला है। इंडिया वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में किसको मिला है, बट फिर भी हम पाँचों का नाम एक बार देख लेते हैं। पहला रविश कुमार, दूसरा है स्वेविन, तीसरे हैं अंगारवाना नीलापजीत, और फोर्थ हैं रेमुंडो पुजांते कयाब, और पांचवे हैं किम जोंग की, रेमुंडो पुजांते कयाब, अंगरवाना नीलापजीत, स्वेविन और रविश कुमार, ठीक है। रविश कुमार मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं एनडीटीवी के। फिर बात करते हैं संगीत कलानिधि, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2019 मिला है एस सौम्या को, ये शायद पूछा भी जा चुका है किसी एग्जाम में मुझे लगता है, एस सौम्या को संगीत कलानिधि पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं पद्म विभूषण की बात करते हैं, पद्म विभूषण 2019 चार लोगों को मिला है। पहला तीजन भाई, इस्माइल उमर गुले, अनिल कुमार मणिभाई नाइक और बलवंत मोरेश्वर। तो ये चार लोग इंपॉर्टेंट हैं पद्म विभूषण 2019 के लिए, तीजन भाई, इस्माइल उमर गुले, अनिल कुमार, मनीष भाई नायक और बलवंत मोरेश्वर। इसके अलावा भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है 2019 में, तो भारत रत्न पुरस्कार दो लोगों को मरणोपरांत मिला है और एक प्रणब मुखर्जी को मिला है, भूपेन हजारिका को मिला है और नानाजी देशमुख को मिला है, ठीक है। भूपेन हजारिका संगीत के क्षेत्र से हैं, नानाजी देशमुख समाज सेवा के क्षेत्र से हैं और संघ से जुड़े हुए व्यक्ति थे, और प्रणब मुखर्जी को मिला है, ये तीन लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। तो ये 2019 में जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स थे, जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स और ऑनर्स थे 2019 के, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि और किन टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।